संस्कृति बचाव के नामे बेकीर्ति न फैलाल जा। नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपके स्वागत बा। बुद्धि सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में अगली बाटी राज कैमरा पर्सन नारायण के साथ में ते कार्यक्रम आप हर एक दिन ठीक इतने समय से देख सकल जा, जैमे हमारे की समाज के विकृति हमारे कैसे हटाए के और ये हटाए के लिए हमारे कहाँ करी परी तमाने सूत्र साधन के बारे में हमारे जानकारी दी कोशिश कर जात। और साथ में जाके वैसे अब हमारे कहा जा कि समाज में यदि हमारे पीछे लौट के देखा जा तो समाज के विकृति अभिन्न जर गढ़ ले बा। ओके हमारे अब एक पारी हटा नहीं सकते, फिर भी अब धीरे धीरे हमारे कैसे ओके न्यूनीकरण कर सके का। अब विशेष करके जानकार व्यक्ति से हमारे वहाँ की विचार आदान प्रदान भी कर जाते, कर साथ में हमारे जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करे के कोनो भी क्षेत्र में हो हमारे कैसे सफलता प्राप्त कर सके के एकर बारे में भी हमारे चर्चा कर जात। और एक साथ में जाके हमारे जानकार व्यक्ति से कोनो भी क्षेत्र में जानकार व्यक्ति से वहाँ के विचार भी आदान प्रदान कर जाते। तो वैसे हमारे आज भी चर्चा कर बा जौन की कहा जा वर्ष के सबसे पहला त्यौहार हमारे कहा जाते नाग पंचमी। विशेष करके हमारे एमा आज कुछ चर्चा कर जी ते अभी कार्यक्रम बहुत ही बड़ साथ रहा जी, कैसे आप सब के साथ ना रही ते कार्यक्रम हो ना सकी और कार्यक्रम ना रहते हम आपसे भेंट भी ना हुई ते कार्यक्रम में संगरी साथ रहा जी अंतिम समय तक साथ दिल हम के पूर्ण विश्वास बा। अति विषय हमारे कहा जा कि नाग पंचमी कहा जाते वर्ष के पहला त्यौहार जौन की अभी सावन महीना में अब यह हफ्ता में परत बा ते वैसे अनहा सुख के परत बा। ते वैसे कहा जा जो नाग पंचमी कहते बेर में सबसे पहले तो मन में एक मन में हो जात कि हमारे के वर्ष के पहला त्यौहार हो। ते अक्सर कह के नाग पंचमी में पहले के चलन अनुसार जो है अपन घर के बेटा बहन बाटी विवाहित बाटी यानी कि जेकर शादी ब्याह हो चुकल बा ओखन के ये एक चाड़ पर्व में बोला के भेंटघाट करे के अवसर भी हो। ते वैसे कहा जा हमारे जब एक चाड़ पर्व कहाल के एक भी अपन अलग महत्व बा। आजकल ते नहीं बुझत बाटी बगिन का वैसे हमारे एक अनुसंधान कर जा ते एक अपन विशेष महत्व बा। अब जैसे जो हमने के बिटिया बहन बाटी वो जब विवाहित हो चुकन है ते वैसे अब कोनो अखन के कारण नहीं रहला कि अब हम अपन नहीं हरे मातारी बाप के घरे जाप कह के तेठ माध्यम पहले से बनाता आयल कि अब ऐसा चाड़ पर्व होत रहे ताकि एक बहाना के रूप में भी ये चाड़ पर्व मनाए जात बाटी कि अपन मातारी बाप के घर में यानी कि अपन नैहर में पुगे पुगने अब आगे पास से नहीं जा सकने तब पर भी एक चाड़ पर्व में बुलाए के घर के जो न बाटें अपन बिटिया बहन के बुला चलन बा। ते एक बढ़िया पक्ष हो कैसे अब और बेर आगे पास से भी अब कौन हिसाब से बुलाए कह के ते इस चाड़ पर्व में एक बहन बेटिया के बुलाए के अवसर भी मिला ला एकदम खुशी के बात बा। ते हमारे एमा सकारात्मक सोच रखे आवश्यक बा। वैसे ते अब कहा जा जौन कि अब यदि हमारे रात के न सुतल जा ते हमन के अब कहा जा अब निना के भी हमन के हेल्थ खराब यानी कि हमन के स्वास्थ्य खराब हो सकी। वैसे नहीं हमारे यदि अब एक ही जगह रह जा तब पर भी हमन के एक मन हर और अब कहा जा फ्रेश हो नहीं सकी। ते वहीं के नाते हमन के अब जो अपन सुख दुख के बाद बा एक सूट शेयर करे खातिन आदान प्रदान करे के लिए भी हमन के एक नैहर आवश्यक बा। सुख दुख में एक साथ दे वाला कहाल के नैहर हो ते वैसे एक माध्यम कहा जा ते जो चाड़ पर्व कौन भी आते अब हमारे कहा जा तमाने चाड़ पर्व अब नाग पंचमी से शुरुआत होते ओकर बाद में अब हमारे हरितालिका तीज ओकर बाद में बड़का त्यौहार ऐसे कहा जा दशहरा ओकर बाद में अब दीपावली ओकर बाद में अब ऐसे हमारे कहा जी कि खिचड़ी ऐसे फगुआ तमाने चाड़ पर्व जोन के हमन के एक जिन विवाहित बाटी ओकन के मन के बुलाए के अवसर मिलला। ते साल भर के जोन पहला त्यौहार हो शुरुआत होला नाग पंचमी से। ते वैसे नाग पंचमी के अक्सर कह के जोन अमन के बिटिया के यानी कि घर के जोन बाटी विवाहित ओकन के बुला के अब संगरी और एक मीठ चोख खाए के चलन बा। ओकर साथ में अक्सर कह के ये ऐसा पर्व हो जोन के हमन के नाग यानी कि नाग देवता बाटी ओकन के पूजा आराधना करने और जो महिला लोगन बाटी ओकरे अब यदि विविध रूप से पूजा आराधना करी यानी कि बढ़िया से अब दूध कहा जा लावा कहा जा
अब ओखन के चढ़ाइए ते अब एक ही से कहा होला कि साल भर जो न सांप बाटे ओखन बिगी ना हो घर में, मतलब अब नकारात्मक रूप से असर ना पुगे हमरे वहाँ के पूजा कल जीते हमन घर में सांप के अनहा क्रम ना रहे कि हमन के एक धार्मिक मान्यता बा ते बढ़िया पक्ष हो ओकर साथ में हमरे अब जो विवाहित बाटे ओखन की बोला के अब जो न महिला लोगन बाटे यानी कि अविवाहित जो न घर के बाटे ओकरे अब का करें कि जो एकठू गुड्ढीन अब अक्सर कहिए हमारे पहले के अनुसार ते एकठू जो कीड़ा रहला कीड़ा के अब बुंगचैया कहिए कहने ते ओमा जो गुड्ढीन बनाने अब कपड़ा से सफा कपड़ा से गुड्ढीन बना के नदी के जलाशय जलाशय मतलब घर के गांव के किनारे कौन भी जलाशय बा वहाँ जाके सिरवाने और जो अब आजकल देखा जीते हमने के देखे के ना मिला फिर भी जो भकिनड़ कहने एक ठू ओके सांप जिसन बना के ओके से पीटा ने कह के एक ठू हमन के बकिन आजकल उतना देखे ना मिला हमन के समय अनुसार संस्कृति बदलते जात बा ते इस संबंध में हमारे चर्चा कर गिल बा देवधा नगर पालिका 11 सीटहन के एक बाटे जानकार व्यक्ति टेक बहादुर चौधरी हमारे वहाँ से बातचीत रखा जी कि नागपंचमी के महत्व का बा और ये कैसन से मनाने ते अब ये जो नागपंचमी पे मैं का करने हमारे वहाँ से जानकारी लग जा। हमारा नाम टेक बहादुर चौधरी हो दार 11 नगर पालिका सिकटहन। नागपंचमी हमारे के सबसे बड़ा त्यौहार हो तो हमारे के जो बा कि अपन बहन बिटिया बुलावल जा त्यौहार माने के भगवान के सबसे भारी त्यौहार नागपंचमी हो। नागपंचमी के अपन बहन बिटिया बुलावल जा त्यौहार माने के आवे उनके सबे और घर के जो बाटे बाल बच्चे गुड्ढीन बनावे केला के टोंगसी डोलिया बनावे फूला लगावे और गुड्ढीन बनावे ओकरे बाद लड़का लोग कनैली के डंडा काटे ओके डंडा लान के बना के उमें चूना और कोयला आदि से ठावे ठावे गोटी बनावे काटे लगावे ओकरे बाद दूध और लावा भूजा संझा के ले जा जो नदी में सिरवाए के सिरवा के आवे सिरवावे वहाँ पर नदी ले जा तो ओके डंडा से पीटे पीट के वहाँ से वहाँ ले जा चना की घुघुरी बना के सबके बाँटे खियावे और झलुआ पड़े और जो बिटिया बहन और लड़के लोग झलुआ झूले ये अमान के त्यौहार हो चना के घुघरी खाए और मासू वसू लान के पकावे वो भी खाए और नागपंचमी के हमारे अपन बहन बिटिया बुलावल जा बरत नाय बैठे अब हमारे के खाए पिए के त्यौहार रहे तो बरत कैसे बैठी नाग देवता के पूजा होई अब हो रहा है कि जैसे नाग बाबा सांपन के सबसे वो राजा रहा नाग बाबा एक नाते उनके पूजल जाला पूजत रहिए अब नाग बाबा के पूजा जा करे नाते कि घर में सांप ओप ना आवे नाग बाबा के पूजा करे से सांपे ओपे के डर ना रहे एक नाते नाग पंचमी मनावल जा नाग पूजा कैल जा मन के मछिया हो आजकल मछिया ना देखे पा जाए आजकल तो देखा जाता कि कुर्सी चलल बा कुर्सी के आगे मछलियाँ कहाँ मिली सब प्लास्टिक हो गया बा सामान हमारे परम्परा के
चीज हो, सगरी के घास खियाए खातिर खारा बोला ला, घास काट के लावा जाला, यहीं भर के सगरी के हमारे खियाए जाला। इस समान को लोप हो जाता, ये हमारे संस्कृति समान हो, ये हमारे के चाही के चाल चलान अभी पुराना जन्म लोप हो चल जाता। काहे से कि अब नवा नवा लवंडे हो गए। अब देखा जाए पंचमी, अब हमारे के नया नया लवंडन के आगे ये भी लोप हो चल जाता बा। हमारे के ये जोन बा अपन ही बचाए के चाही। हाँ, तो उसने हमारे जानकारी हल्के टेक बहादुर चौधरी द्योत नगर पालिका 11 सिकठान के निवासी रहने, ते उसे हमन के जो संस्कृति बा, इस संस्कृति में भी अब धीरे धीरे विकृति फैलते जात बा। कल के मतलब ऐसा हो कि अब कितना जने बाटे कोनो भी अब संस्कृति जो चाड़पर्व नहीं मानत बाटे वो बड़ी बात नहीं हो। बकिन का एकठू हमन के एक बढ़िया पक्ष इमा का बा कि जो हम का चुकल बाटी चर्चा कही चुकल बाटी कि हमन के कोनो भी चाड़ पर्व जब बा ते हमन के जोन विवाहित बहन बेटे बाटे ओखन के बोला के एक ठू अवसर हो, हमर ई माने में बुझल जा, ना कि एक ठू हमन के खान पीन कर ही परी, अब उस सिस्टम अपने ही परी के नहीं बा। ते अब और कौन हिसाब से बहन बेटिया अब अपन नहीं हरे आवते, एक ठू पहले से जोन ये हर एक चाड़ पर्व बनल, एक ठू हमन के बढ़िया पक्ष हो। बाकी जोन और जने बाटे अब नहीं बुझत बाटे कि ये मन ले बेकार बा, ते हमन के अब कौन हिसाब से अब आगे पाछे अपन मन से ते आईबे करिए, अपने हिसाब से ते बोले भी करे। बाकी एमा एठू कहा कि मान्यता हमन के जाक परिके के मान्यता बा, और हमन के जोन विवाहित बाटी ओखन के बोला परिके के एकठू मन एकठू मतलब मन में विचार बा। ते ई एकठू बढ़िया पक्ष हमरे एमा पॉजिटिव आने की हमरे सकारात्मक रूप से सोचे परी। ते वैसे अब हमरे कहल जा जोन एकठू अपन संस्कृति बचाए के नाम में हमरे विकृति भी फैलाए के आवश्यक नहीं बा। जिसे अब अक्सर के हमरे कहा जाते जोन कीड़ा के अब कहा जा बोकला कहा जा हमरे ढोंगचैया कहा जा, ते में एक ठू मतलब कीड़ा के बोकला में अब सफा कपड़ा के जोन गुड्ढिन के रूप देने कपड़ा के, ते में अब तितली कहा जा तितली बनाने जोन, ते में अब दूध और लावा चढ़ाने ये एक ठू भी बढ़िया पक्ष हो। ओकर बाहिक के जोन हमन के नदी में जोन गांव के किनारे नदी बा या कोनो भी जलाशय में मतलब अब वहाँ जाके छोड़ देने जोन हमन के बहने लोगन बाटी, अक्सर कह कि अविवाहित जोन महिला लोगन बाटी जोन अविवाहित हमन के बहन बिटिया लोगन बाटी ओखन के अक्सर कह मनेना ये कम हो। ते उसे अब जब छोड़ दी हैं ओकर बाद में जोन हमरे अब नेपाली में संजीवनी कहा जी ऐसे भकिनट हमारे कह के बुझल जाता पहले के भाषा अनुसार ऐसे जेटोफा हमारे कहा जी इंग्लिश में, ते एक ही जोन एठू लाठी के सांप बनाने यानी कि सांप के रूप में एक ठू लाठी प्रयोग कराने कल के मतलब कि अब वहाँ हर एक किस्म के रंग लगा दी हैं, अब करिया लाल या पियर कौन भी रंग लगा दी हैं मतलब सांप के रूप दी हैं, ते ओ किसे पीटने ते एक भी अपन अलग मान्यता हमारे एक बारे में चर्चा करबे करे के। ते वैसे अब एक से का होला एक ठू जनविश्वास कि मतलब अब हमारे ऐसा के दर्जी साल भर अब सांप के बिग बिग के नहीं हुई बढ़िया पक्ष हो कह के सोचते रहने हमन के भी बढ़िया सोचे आवश्यक बा। ते वैसे कहा हो कि अब हमने के कोनो भी चीज़ में विश्वास करे के, ते विश्वास के पीछे भी अपन अलग रहस्य छुपल रहला। अब जैसे अब कितना जने बाटी देवता के पूजा नहीं कराने, ते अक्सर कह कि अब हमारे पहले जोन अब पहले के पाला में हमन के आजा पुरख के पाला में हमारे कुआँ के पानी पियल जाती, ते अक्सर कह के कुआँ के किनारे जोन पथरा धैल रहे महादेव बना के, ते अक्सर के अब ओमा पूजा करते रहने, ते हमरे अब सोचल जी आजकल के जमाना में कि वो पूजा के लिए बेकार बा, कितना जन पूजा भी नहीं करत बाटी। बाकी पूजा के लिए भी बड़ी बात नहीं हो कि अब काहे कुआँ के किनारे जोन पथरा के देवता धैल रहे थे, एक दूसर कारण रहे ना कि वहाँ पूजा के लिए हमन के पुण्य मिले के। अब आप आज के बगाने सोचते बाटी कि पत्थर के पूजले कौन काम बा, वो ते ओखन के विचार भी ठीक बा। अब वैज्ञानिक कोनो सत्य ना बैके के वैसा सोचत बाटी, फिर भी हमन के वो बात सोचक नहीं हो काहे पहले के जोन आजा पुरखा रहने, ते अब कुआँ के किनारे पथरा के जोन महादेव बना के वहाँ रखत रहने पूजा करे के। पूजा के लिए बड़ी बात नहीं पुण्य मिले के हिसाब से नहीं कि हमारे वहाँ रखे के, ते मन के एक ठू सोच बदल जी कि हमारे वहाँ पूजा करे के, ते अब एक ठू पुण्य कमाए के। ते वो किसी से कहा हुई कि
अब पुण्य कमल अपन जोखिम बटलेवा बकिन का जब कुआं के किनारे ओसन हमरे देवता रखे के ते वहाँ सफा रही मतलब फुहर नहीं करी कि टू वही हिसाब से रखत रहने बकिन का आज के लिए मनी सोचत बाटी की पूजा के हिसाब से पूजा करके बहाना रहे मतलब कि एठू वहाँ सफा होक चाहिए कि अपन के मान्यता रहे एठू हमरे ई हिसाब से जाल जा ते आजकल भी हमन के जो एठू कौन भी चाड़ पर्व हमने मनाए जाते ओके से अब संस्कृति भर ना होके कि हमन के बिटिया बहन बोलेना एक ठू बहाना अवसर हो ते हमरे बढ़िया पक्ष ई हो ऐसने हमरे फिर बातचीत कल गिल बा वही शिक्षण के जो हमन के निवासी होने हमरे वहाँ से बातचीत कल मोहनलाल चौधरी और मालती थारू ते वैसे अब नागपंचमी काल के सब जन के अपन धारणा बा बकिन का अपन अपन परिभाषा बा हमरे कौन भी रूप से परिभाषित कह सके के फिर भी एकर अब अवसर कह के हमरे नाग देवता के पूजा कहना एक ठू त्यौहार हो कहीं हमरे बुझल जा और चाट पर्व काल के बिटिया बहन के जो विवाहित हो चुकल बाटी साथ ब्याह हो चुकल बा ओखन के बोलाना एक ठू माध्यम अवसर हो कहीं बुझल जा ती फिर हमरे अब जो हमन के मालती बाटी और ऐसे मोहनलाल चौधरी बाटी हमरे वहाँ के विचार सुनल जा। पंचमी हम लोग नागपंचमी नाग देवता सबसे भारी देवता मानल जा है। नागपंचमी हम नाग देवता के लिए हमें पूजा का दिया जाता हल के दूध लावा उनके दूध लावा चढ़ावल जा दूध लावा उनके पूजा हो बिटिया बहन बढ़ावल जा उनके यह गोश मछली लियान के अपन जो जुड़ा जो है वह खियावल जाए उनके कपड़ा लत्ता जो उन जुटा जो है तो दिया जाए। और नागपंचमी हम उनके सबसे भारी त्यौहार नागपंचमी है एके अभी लोप हो जात बा कोनो माना था कोनो मनते नहीं बा कोनो खा करता कोनो खा करता ये हमन के हो ना चाहत रहे ये हमन के अवश्य के कुछ अपने तरफ से वो के रखे चाहिए मन के साल में सबसे बड़का त्यौहार पहले यह हो नागपंचमी। नागपंचमी हम लोग बहुत भारी त्यौहार माना जाता जैसा हमारे पुराने जमाना मानल गया वैसा आजकल के जमाना ना देखे पावल जाए ऐसा खटिया ना पावल जाए ऐसा मछिया ना पावल जाए छतरी से वो हम के रह बन बीनल जाए बनावल जाए ओढ़ल जाए आजकल के जमाना में कहीं छतरी देखा जाता कहूँ कौन चीज देखा जाए खटिया छोड़ के हो तो पलंग बनवा लेता था वह पर बैठा हमने अपने हाथे बनावल गया अपने हाथे बैठल जाए अपने हाथे पहुना पालिया में वहाँ पर सुतावल जाए बैठावल जाए उनके सेवा सत्कार कैल जाए जैसे केरक डमझम जब उनके बनी है डोली बनी है डोली बना के वहीं बैठा के खूब ओके सब सिंगार से अपन कपड़ा लत्ता पहिर के ले जाइए चरवाही के और लड़के लोग लाठी बनाई ले रही है वो के ले जा मारल काहे के मारल है वही नाग देवता के जब नाग कह के मारल है अब वह गुड्ढिन के मार मारल कि यह हमारा दुश्मन भैल है कहके वह मार के वो के अपन वो कर रहे हैं तब वो के कैसन दुश्मन है जैसे गुड्ढिन अब बनैल है अब सांप सांप अब दुश्मन नहीं हो सांप तो दुश्मन है हो तब वो के दूध लावा चढ़ावल फिर मान वो के सेवा कर दूध लावा चढ़ा के कि मैं अब हमारे घर में नहीं आवई अब हमरे के पूजा भी दी कही जाता है इसे माना जाता है इसे आजकल के लड़के लोग उतना ना ही मानता थे कुछ समझता नहीं अपने समय में अब के जब जुग के बाद के बगैर वह तीढ़ी बना ला तीढ़ी बनने के बाद में वह कुल उड़ा ला खेत बाड़ी में लगा ले तब वह कुल ओके हमरे सब पूजा पाठ कह के वह दिया जा कि मैंने हमारे खेती बाड़ी में ना आवे हम उनके अच्छे तरह से जिंदगी पार तीर चले और लड़के लोग अच्छे से रहें एक दूल्हा बनावा तो फिर दुल्हन बनावा यह कुल बना खेला लें खेला खेला तो यह नागपंचमी जब आवाला तो वह नाग के माना ले अब वह ले जाना सरवावा लें तो दुश्मन कौन ओकर दुश्मन यह रहा कि मैंने अब हम उनके साल के अंतिम अंतिम नागपंचमी यह अब आई फिर ऐसे साल हुई अभी इस साल में तो गई अब इस साल में मान लिहली चढ़ा दहली अब ऐसे साल में यही कि हमारे घर में ये कुल ना हो कीड़ा फतिंगा ना निकले हमारे आपके बढ़िया से रहा जा बढ़िया से
खाइल कमाइल जा, बढ़िया समाज बाल बच्चे रहें, यह हो। कैसे माना जा रहा का कहना है, ये कुल लगा ला दूध लावा ये चढ़ावा जा रहा नाग पंचमी का कहना, अपन सांप गोजर पीने ला खा लेना तब चल जाना है। हम के ये बाप मचिया खाट ये कुछ हमारे बैठी रह उठी रह सरवाइल जाता है, गुडिन बनाए जा ले 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 जा ला न दिन सरवावल जाए चढ़ावल जाए बांटल जाए जहाँ सरवाइल जाए कहाँ। आजकल बुढ़ा गए हमारे का सर हाँ के लड़के पैके सर पैसा कहाँ कर हैं, दूसरा जुगा घर में कहाँ वो कर हैं का हमारे सुशील जकर माने में हो के मानी नहीं ना मानी नहीं बोला आई जा रहा है जकर आए खोते आवाला ला नहीं नहीं तो ना ही आवाला कहाँ आजकल बने हैं हमारे बना फिर से ना बना पाई हैं अब के लड़के ना जानी हैं जो हमारे जाना है अब के लड़के ना जानी हैं ना बना वाला ना कर रहा है। उसने हमारे विचार सुनल गल ते उसने अब कहल जा पहले और आज के तुलना में एकदम फरक हो चुकल बा। आजकल के जो युवा लोगन बाटी बुढ़ा चुकल बाटी अपन संस्कृति ते उसे अब हम कह चुकल बाटी कि एक ठू हमारे कौन भी चाल चलन मानल जाए मा वैज्ञानिक कारण बा, यानी कि हमारे वैज्ञानिक सत्य बा ते उसने हम कह चुकल बाटी जो अब कहल जा पहले अब जो हमन के इनार यानी कि कुआँ रहे ते कुआँ के पानी पियाल जाती हमन के आज पूर्खा पियत रहने ते वो सफा कैसे रखे के ते अब ओकर किनारे जो एक ठू महादेव के पथरा के महादेव बना के रख देते रहने उतने बरना हो कि पीपर के पेड़ भी लगा देते रहने की पूजा करे परिके के ते उसी धार्मिक हिसाब से अपन जगह पर बटले बा। बाकी जे धर्म नहीं मानत बा ओकर लिए भी ई हमन के सोचे के आवश्यक बा कि ओकर मुख्य कारण का रहते एक ठू पूजा भर करे के नहीं हो कि ओकर बहाना के हिसाब से हमन के जो पानी पियाना जगह बा स्थल बा वो सफा रखे परे के एक ठू अलग धारणा रहे। बाकी इनका अब आजकल देखा जाते अब कुआँ ते बातें छोड़ा जा कुछ ना रह गल हते ई भी हमन के सोचे के आवश्यक बा जो पहले हमन के आज पुरखा बनैली बाटे कौन भी चीज ते प्रकृति के जो पुजारी रहने एक ठू एमा भी हमारे वैज्ञानिक रिसर्च कर जाते वैज्ञानिक सत्य बा। अब एमा अब हमन के धर्म अपने ही परे के नाई बा हम हर एक हिसाब से जो घन के बात रहे बढ़िया रहे। यदि कौन भी बात यदि बढ़िया नाई बात हमारे होके निकाल के फेंकल जा कल के मतलब कि जैसे विकृति कहाल के कौन कौन से विकृति रहे जिसे अब जो सोखा लामा रहने ओखन के जो दारू ले जात रहने अब दरवाही दरवाही कहाल जा हमारे ओकर बाहे के जो हमन के दशहरा रहते दशहरा में भी अब खसी बेड़ा अभिन तक चढ़ाने पर भी चढ़ात रहने अब वैसे ढेर दारू पी के चलन रहे ई बेकार हो एक हमारे निकार के फेंक तब भर के असल सभ्य समाज के निर्माण हो सकी। अब नहीं तो हमारे अब पुराण कौन भी चाल चलन बा संस्कृति बा सत में सत प्रसिद्ध बचे ही परी के नाई बा कल के मतलब कि कौन कौन चीज़ बेकार बा और कौन बढ़िया पक्ष को हमारे बढ़िया पक्ष के अवलंबन कल जा और बेकार चीज़ के भर हमारे ओके निकार के फेंकल जा तब भर के हमारे शुद्ध असल समाज के निर्माण कह सके। ते ऐसने जो आजकल बा ते नाग पंचमी पहले और आज के तुलना में फरक बा ते आजकल के जो लड़का लोगन बाटी ओकरे बढ़िया से नहीं मानत बाटी, यानी कि अब आजकल कहा जा व्याकरण जो कहा जा वह नहीं मिलत बा अब के रहते मिल सके फिर भी बाँस के सांप बनात बाटी और पहले जो हिसाब से मनात रहने आजकल नहीं बा ते हमन के ये संस्कृति बा संस्कृति बचाए आवश्यक बा जब तक हमारे नहीं बचा सके ते हमन के पहचाने हरा सकी। ऐसे फिर हमारे बातचीत कल गल बा चिकटन के जो होने हमारे वहाँ से रह के बातचीत भी कल गल बा परमिला और ऐसे भिखनी बाटी हमारे वहाँ के विचार सुनल जा। नमस्ते हमारा नाम परमिला थार हो। हमन के गुडिन बनावल जाला का खाना केरा के डंग चाहिए मनो बैठा के सेरवाए के ले जाल जाला और चना वटा पूड़ी तरकारी सब कुछ मनो बनाल जाला मनो चना के प्रसाद बाँटल जाला नदी पर लैकन के खातिर गुडिन बनाए के लैके मनो गुडिन ले जाइए सेरवाए के नदी पे केरा डंग चाहिए हम कह के भकड़े के सांप बना के पीटे न लैके सबके नमस्कार। हमार नाम भिखनी थारू सिकटहन ग्यारह देवदह कखने हम हमन के पंचमी कखने पहले के थीम ले जाता हमने मने कदम गाछ बना के थी केरा के थीम दोनका बना के मने आप क्यों बनाला मने केरा के ले जाने बना के आ कदम गाछ माने हमन के पंचमी के माने बना के देखाइल जाए हमारे पहले उसे
मानत रहने माने अबुआ उससे माने नहीं मैंने पहले घर माने नाई माने अब तनी कखने पहले के कखने बुढ़िया रहने तारे दूसर उठी बनावे आजकल ते केरा उठी बनाई अब हमन के अब अपन उठी में कई की अब अपने अपन दिखाई दिए बना के मैंने कदम गाँच अब हमारे दिखाई दिए दूध लावा चढ़ाई हैं मटर चना लावा यो कुल चढ़ाला अब बुढ़िन बनाई हैं अब बुढ़िन बना उना के लावा चढ़ाई हैं लावा चढ़ाई हैं मटर चढ़ाई हैं अब बुढ़ी लोग बुढ़िन के देवी देवतन के सब जगह जगह पर जहाँ देवी देवता बने सब जहाँ लावा दूध सब चढ़ी अब लड़की लोगे मैंने नाई पीटे सकी हैं मैंने लड़का लोगे तो मैंने अब लड़किन के मनाई हैं और लड़का लोगे के हौसले रहला मैंने पीटे के मैंने गुढ़िन के बना के दिखाए के रहला लेकिन यहाँ सरवा के सरवा के पूरा रमाइलो में खुशी हो के नहा के भीज के सब हम लोग के जाल जला सरवाए गुढ़िन नहा के पीट के हम लोग के आल जला हौसिला से हौसिला जाल जला हौसिला से आल जला देवधर नगर पालिका वार्ड नंबर 11 सिकटान हमारा नाम जीत बहादुर चौधरी। जैसे साल भर में हमन के 12 महीना में नागपंचमी आवाला तो नागपंचमी के बारे में जौन बा की लड़की लोग जौन बा हरे के जो छोला का पंचमी के मेड़ हो तो लड़की लोग जौन बा छोटा छोटा लड़की लोग जैसे केरा की डोंची बनी हैं और बांस की कैन बनी हैं कोई बात कोई फुल्ला पाती बनी है एकदम बढ़िया जैक्शन से लावा दूध जैसे जहाँ नदी बा तहाँ गढ़ई बा हमें सौ से ले जाके चढ़ी एक बाद दिन प्रतिदिन जैसे जमाना के प्रबंध संस्कृत के बारे में हम के थाल के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा कुछ जौन बा डाउन चल रहा बा एक बाद कुछ लोप हो जाता एक बाद हो एक नाई चाहे वैसे हमारे तमाने व्यक्ति के विचार सुनल गए चेक बहादुर ऐसे मोहनलाल मालती परमिला बिकनी और जीत बहादुर थे वैसे हमारे नागपंचमी के कौन भी हिसाब से परिभाषित करके बाकी नागपंचमी काल के विशेष करके नाग देवता के हमारे पूजा कल जात और हमारे गुज्जिन एटू कपड़ा के गुज्जिन के रूप धाल जात और साथ में अब संजा के जो नदी के नदी के जलाशय बा या कोनो पोखरी बा या मतलब नदी बा वहाँ जाके गुढ़िन सिरवाने और हमन के जो बनी लोगन बाटी गुढ़िन सिरवाने और छोटे छोटे जोन बाटी लैका लोगन ओकरे साँप बना के पीटने ते ठू अचरण हो ते वैसे हमन के कौन भी संस्कृति बा हमन के बचाए के आवश्यक बा और हमन के नागपंचमी काल के हर एक वर्ष के पहला त्यौहार आने की पहला चाड़ हो और नागपंचमी से अब धीरे धीरे अब तमाने चाड़ पर्व ऐसे आय के क्रम जारी बा अब एक बाद में जो कहा जाए नागपंचमी और रहते बड़की त्यौहार और बाद में अब हमन के हरितालिका तीज और साथ में इसने तमाने हमन के चाड़ पर्व रह भी करी रक्षाबंधन कहा जा ते वैसे अब हमन के आज विशेष के चर्चा कर गई नागपंचमी ते वैसे हमन के जौन कौन भी संस्कृति बा संस्कृति हमन के कैसे बचाए के और हमन के जौन आज के युवा लोगन बाटी ध्यान पुगे के आवश्यक बा ते हम कह सकल बाटी कि हमन के अब ये कौनो धर्म मनिक पर कि नहीं हमारे अवसर कह के कौन कौन चीज़ से विकार बाऊ के हमारे सबसे पहले ते पहचान कर जा यानी कि अनुसंधान कर जा तब भर के असर सब समाज के निर्माण हो सकी और हमन के इतना सोचल जा हमन के अब कितना भी पढ़ल गए बा अब बैचलर डिग्री डिजन के लिए बाटें बाकी का ये पढ़ल एक बड़ी बात नहीं हमन में शिक्षा भर बड़ी चीज़ नहीं हो हमन के ज्ञान हो आवश्यक बा शिक्षा और ज्ञान में ढेर भिन्नता बा अब कोनो भी व्यक्ति अब एसएलसी एसएससी कहल जा इंटर डिग्री पीएचडी कहल जाते हो एठू एजुकेशन यानी कि शिक्षा हो बकिन का ओके में सबसे पहले ते नॉलेज यानी कि ज्ञान होक पड़ल कल के मतलब व्यक्ति शिक्षित नहीं कि ज्ञानी होक पड़ल अते अब हमरे पढ़ल गेल बा सब कुछ हमन लगभग कहीं सोचे नहीं बा हमन के जो पहले के आजा पुरखा बैठे हमन के कौन कौन चीज़ मनात रहने और वो बेकार रहे कि बढ़िया रहे हमारे रिसर्च कर जा और बेकार रहते ओके हमरे रिफाइन यानी कि निकाल के फेंकल जा बढ़िया चीज़ के बार हमरे अनुसरण कर जा तब भर के हमारे जो पहचान हो पहचान स्थापित हो सकी और हमरे आज के युवा के दर्जा दे सके ते उसने हमन के टोल घर छर छिमेक असल हो सकी असल सभी समाज के निर्माण कर सके और हमन के देश भी एक बढ़िया रूप में मड़ी बढ़िया मोड़ में जा सकी अत ऐसे हमारे बातचीत करते विद्यालय से में हो गए बा अत आज हम लगे जो है हमारे विचार रखल गए वहाँ के भी हृदय से धन्यवाद देख सकता ऐसे
हमन के विशेष कह के जोन कार्यक्रम देखल गेल हृदय से धन्यवाद हमन के कैमरा पर्सन नारायण अनु के विशेष धन्यवाद दैत आप जी बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन और एक संचालक राज भी आपसे विदा होती नमस्ते।